ठीक बच्चों, आज अपन क्या करेंगे, संचित सचित्र वर्णमाला। सचित्र मतलब चित्र देखकर वर्णमाला, ये अक्षर अपने को लिखने का है। आपने पिछले पेज में देखा होगा अजगर का, उसमें पेज नंबर 9 तक हो गया था। अभी पेज नंबर 10 क्या है, चित्र देखो और वर्ण का उपयोग करके शब्द भरो। क्या क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो जब किताब में चित्र दिए है उस पर आपने को क्या बनाने का है, शब्द बनाने का है। आपको ये चित्र, आपके चित्र क्या है, जाने पहचाने है तो उसको क्या बोलते हैं, वो अपने को क्या करने का है, लिखने का है। तो वर्णमाला पढ़े हो गए ना आपने, स्वर और व्यंजन। क्या है वर्णमाला मतलब व्यंजन, तो अपने को क्या करने का है, स्वरमाला, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर कुछ शब्द बनेंगे, वो आज अपन देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहला चित्र काय का दिया है, घर का दिया है, दूसरा फल, तीसरा कमल, चौथा करवत। करवत को क्या बोलते हैं, वो जो ब्लेड रहता है वो लाकूड कापने का, उसको करवत बोलते हैं। मराठी में उसको आरी बोलते हैं और हिंदी में उसको करवत बोलते हैं। बरगद का पेड़, मराठी में उसको क्या बोलते हैं, वड़ाचं झाड, त्याला हिंदी मध्ये काय म्हणतात, बरगदचं झाड, बरगद का पेड़। बाद में क्या दिए, टांगा दिए है, क्या दिया है, टांगा, तो उसको रथ बोलते हैं हिंदी में। मराठी में टांगा घोड़ा बोलते हैं और हिंदी में रथ बोलते हैं। बाद में कौन सा चित्र दिए है, बस का चित्र, फिर मगर का चित्र, फिर मटर। मटर सबको पसंद आता है ना, मटर पनीर, वो मटर के बाद में क्या है, कलश। तो चलो मैं बच्चों आपको पहले क्या है, घर, बाद में क्या है, फल का चित्र, बाद में कमल, चित्र देकर उसके नाम लिखने का है, करवर और वर्ग। बन गए शब्द, अपना क्या बना, ओ जो बन गए।
पहला दूसरा शब्द पहला शब्द क्या बनेगा बस फिर दूसरा शब्द क्या बनेगा ब त ख बत्तख बन गया बत्तख देखो पहले डिब्बे देख लेने का कितना है बाद में वो शब्द बनेगा फिर घर और फिर बत्तख पर आपको शब्द भी लिखना अच्छे से आना चाहिए देखो अभी इसमें भी और इधर में भी एक डब्बा खाली है तो ऐसे में आप कंफ्यूजन हो जाओगे मैम अगर तो एक इधर भी एक डब्बा खाली है इधर में फिर आप तो बता रहे थे जितने पहले डब्बे उतना दे गिरने का फिर पार्ट में बने तो आपको पहली बार लिखना और पढ़ना भी आना चाहिए देखो पहले घर घर में र सबसे आखिरी शब्द आ रहा है और र में र पहले आ रहा है तो आपको पढ़ना और लिखना भी जरूरी आना जरूरी है आना बाद में क्या है कोमल फिर लव कौन सबसे पीछे जा रहा है तो क म ल आ गया फिर नल आ गए दो शब्द में कि वस्तु ये जो चित्र दिए
मतलब है ये चित्र का, चित्र दिया गया है आपको नाम लिखने का है। बाकी समझ में आया? ऐसे कुछ को पेपर में दिए होंगे, ऐसे कुछ को कोष्ठक दिया होगा और चित्र निकाले होंगे, वो चित्र का नाम आपको क्या करने का है, कोष्ठक से निकालने का है, नाम निकालने का है, तो आपको पढ़ना भी आना अवश्य है। बाद में क्या है, बाकी अक्षर लिखो जैसे के वैसे। जैसे सपोज पहला अक्षर दिया है च, दिया है बाद में क्या दिया है, च दिया है, फिर निकाल निकाला दिया है, फिर न दिया है, क्या दिया है, न दिया है, तो जैसे के वैसे शब्द है। वहाँ पे दिया गया बाद में क्या है, गर्दने, तो कौन से शब्द दिए है, गर्द, गर्द दिए है, बाद में आपको विकामी जगह दी है, तो उसको आपको पूरा करने का है, तो कौन सा आएगा, क्या आएगा, सिर्फ खाली न आएगा। बाद में क्या है, भगत दिया है ना, तो भगत दिया है, विकामी जगह खाली दी है, तो आएगा। समझ में आया? ऐसा आपको पूरा सड़क तक भरने का है। फिर कोष्ठक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, बाद में क्या है, जनक गरम कर, छगन बचत कर, तो जैसे के वैसे
आपको किताब में लिखने का है, तो घर में लिख लेना ये शब्द जो ये किताब में लगा लेना, मैंने आपको बताया। पेज नंबर 12, समझ में ना आ गया, अपना कंप्लीट हो गया और पढ़ने का है और सेम जैसे के वैसे लिखने का है। गाना वो भी शब्द जैसे के वैसे किताब में लिखने का है। और इसमें देखो आज से शुरू होने वाले शब्द पेज नंबर 13 पे मैं आपको ये बाद में समझाऊंगी। समझ में आया बच्चों? इतना बच्चे करके लाने का है पेज नंबर 11, 12 और 13। भरने का है, नहीं समझ में आया तो स्कूल में आके पूछ लेने। धन्यवाद।